तेजस्वी यादव ने पटना लौटते ही बिहार में नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक समझौते की संभावनाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया। उन्होंने कहा है कि दोबारा उनके साथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, हम मध्यवर्ती चुनाव के लिए तैयार हैं। पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में यह चर्चाएं जोरों पर थी कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके कारण राजद और जेडीयू के एक बार फिर मिलने की संभावनाएं प्रबल हो रही थी। लेकिन तेजस्वी यादव के इस बयान से यह साफ हो गया है कि वो नीतीश कुमार के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि पिछले 16 सालों के भीतर बिहार का बड़ा नुकसान हुआ, यह सरकार राज्य के लिए अभिशाप है, इसने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। तेजस्वी ने जेडीयू बीजेपी पर जनादेश की चोरी कर सत्ता में आने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को अभी तो कुछ फैसले कराने हैं, इसलिए इसके बीच रस्साकसी चल रही है। ये सत्ता के लोभी हैं, सत्ता के लोभ में इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पार्टी की ओर से नीतीश कुमार को कोई ऑफर नहीं दिया गया है, बिहार का जनादेश नीतीश कुमार के खिलाफ है, उनकी कोई नीति नहीं है, विचारधारा नहीं है, वह गरीब के लिए नहीं है। ऐसे में तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं उनके साथ तालमेल बनाऊं। न्यूज़ डेस्क, नेशन न्यूज़, पटना।